हम असपा को अपना हितैषी मानते हैं और हाजी आमीन हमारे कैंडिडेट हैं। कसमाकस कुछ नहीं है, एक तरफ जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि असपा वाले जो हैं, ये चंद्रशेखर की पार्टी बीजेपी की बी टीम वाला निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसके पीछे की वजह क्या है? मतलब सबके लिए बोलता है, गरीबों के लिए बोलता है, छोटे समाज के लिए, मुसलमानों के लिए वो आवाज़ उठाता और लोग ये लोग आवाज़ नहीं। पहले से ये चंद्रशेखर चार दिन का लौंडा क्या करेगा? आप बताइए, आप किसे किसको वोट देने जा रहे हैं? चंद्रशेखर आज कोई दंगे है? चंद्रशेखर वजह क्या है उसकी? यूपी में उपचुनाव का दौर चालू है और हम बुलंदशहर के उपचुनाव को कवर करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट यानी ग्राउंड पर मौजूद हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं अकबरपुर गांव। यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये गांव है और हम आज अपनी रिपोर्ट के तहत ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल यहां का जो वोटर है वो क्या अपने मन में रखता है और जो वर्तमान सरकार है उसकी जो योजनाएं हैं और उसकी जो कार्य करने की जो एक्टिविटी है उसको लेकर वो किस तरह की अपने दिमाग में, अपने जहन में मंशा रखता है और वोट किस तरफ करेगा। इस उपचुनाव को लेकर हम आज पहुंचे हैं अकबरपुर गांव में और हम जानेंगे यहां के वोटरों की जो किस तरह की उनकी मंशा है और किस मुद्दे पर वो वोट करने जा रहे हैं। चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट में हम आप पूछे हैं अकबरपुर के जाटव मोहल्ले में और हमारा यहाँ आने का मकसद एक ही है क्योंकि जो बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव है उसमें दो वोट यानी जाटव और मुस्लिम वोट जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं और ये जो वोट है ये कोर वोट माना जाता है बहुजन समाज की पार्टियों के लिए। अब ऐसे में दो बहुजन समाज की पार्टियाँ आमने सामने हैं, एक बसपा है और एक आज़ाद समाज पार्टी है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो यहाँ का वोटर है वो किस तरफ अपना रुझान कर चुका है और वोट देने की फिराक में है। हमारे साथ यहाँ पर जाटव समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो उपचुनाव है उसको लेकर वोट है 4 तारीख को, तो 3 तारीख का वोट है, माफ़ कीजिएगा, और उसको उसमें वो किसको वोट करने जा रहे हैं। दो पार्टियाँ हैं, एक असपा है और एक बसपा है, तो आपका क्या रुझान होने वाला है? सर बसपा को देंगे, हाथी को अपने को, हाथी को देंगे। तो हाथी पर वोट जाने का क्या मतलब सोच है? अगर तो हमारे बहन जी पहले से हमारे पहले से ये चंद्रशेखर चार दिन का लौंडा क्या करेगा? अच्छा। कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, मोदी ने से पैसे भर के बहुत मोटे पैसे। मैं देख रहा हूँ कि जो बाहर भी और काफ़ी पोस्टर और जो बैनर्स हैं और जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं दिखलाने के लिए, तो आदमी कुछ भी कर सकता। जो 45 साल से हमारी बहन माती आ रही है समाज में, तो उसके लिए पीछे रह गया, उसके लिए तो आज आप जो चुनावी जनसभा हुई थी वहाँ गए थे आप आज? हाँ जी गए थे। गए थे आप? अच्छा, तो वहाँ तो लेकिन भीड़ नज़र नहीं आई। क्यों नहीं बताई भीड़? जब भी उस मुकाबले नहीं थी जितनी चंद्रशेखर के भीड़ नहीं, तो हर आदमी के पास एक टाइम होता है, किसी के पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है, कुछ लड़का ऐसा भी है। अब ये 1.5 साल की सीट है, कुछ ज़्यादा नहीं। आपको क्या लगता है, आप यूथ हैं तो आपको क्या लगता है, वोट है आपकी? नहीं आपकी नहीं है, तो आप बताइए आप किसे किसको वोट देने जा रहे हैं? चंद्रशेखर आज कोई दंगे है? चंद्रशेखर को वोट देने का कुछ मतलब सोच कर दे रहे होंगे आपके? हाँ मैं चंद्रशेखर को इसलिए वोट दूंगा, वजह क्या है उसकी? क्या है? तो वजह लग रही होगी कि चंद्रशेखर आवाज उठाते हैं, चंद्रशेखर हर जगह पहुंचते हैं, क्या मतलब दिमाग में है? मतलब क्या है? मतलब को ये पता नहीं। आप किसे पसंद? हम मायावती को देंगे। अच्छा आप भी? तो आप? हम जाटव लोग हैं तो हम तो हाथी को ही देंगे वोट। अच्छा, काफी 45 सालों से वोट हम हाथी से हाथी पे डालते हैं और ये हमारी सरकार है गरीबों की। तो आज आप गए थे वहाँ रैली हुई जी? आज हम गए थे लेकिन भीड़ भी काफ़ी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी होती थी। उसके पीछे वजह क्या है वही मैं जानना चाह रहा हूँ। ये है चंद्रशेखर आज़ाद ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो काफ़ी दो पार्टी हो गई है। अच्छा। तो वजह यही है, जगह जगह पे जाना, ये अपना प्रचार काफ़ी कर रहे हैं, तो हम तो हाथी को वोट देंगे। हम जाटव लोग हैं, हमारे तो हाथी पे निशान है। तो आपने देखा कि लोग अभी भी
अपनी पुरानी बसपा यानी मायावती पर ही विश्वास दिखा रहे हैं और वहीं वोट देने की बात कर रहे हैं। चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट में हम आप पहुंचे हैं कमालपुर गांव और यहां पर कुछ जो यूथ है वो यहां पर वॉलीबॉल खेल रहा था। हमने उनसे गुजारिश की कि हम आपसे दो मिनट चुनावी मुद्दों को लेकर बात करना चाहते हैं। जो बुलंदशहर सीट पर उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर अहम बातचीत करने वाले हैं। उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर अपना खेल रोक दिया है। मैं उनका धन्यवाद करूँगा और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा जो अब उपचुनाव है बुलंदशहर सीट पर, यहाँ पर स्थिति जो है वो कसमकस हो चली है चुनाव को लेकर। अब 3 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप जो है वो किस पार्टी को अपना हितेशी मानकर वोट करेंगे? हम असपा को अपना हितेशी मानते हैं और हाजी आमिर हमारे कैंडिडेट हैं और कसमकस कुछ नहीं है, एक तरफ जीत रहे हैं वो। एक तरफ जीत रहे हैं, हाँ। अच्छा वजह क्या है, हाजी यामीन चेहरा नज़र आ रहा है आपको या फिर चंद्रशेखर जो कि एक यूथ आइकॉन के तौर पर देखे जा रहे हैं आज के तौर? हाँ, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, उनका प्रत्याशी हाजी यामीन, तो उनको हम जिताएंगे, उनको जिताएंगे जी। तो चंद्रशेखर के अंदर क्या लगता है कि चंद्रशेखर जो है अगर वो राजनीति में आए हैं, अपनी पार्टी बनाई है और चुनाव मैदान में बुलंदशहर से उन्होंने शुरुआत की है, तो उनको वोट देने का जो आपका नज़रिया है वो किस तरह का बनता जा रहा है? उनका जो विकास का मुद्दा है, सारे बहुजन का मुद्दा है, मुसलमानों का मुद्दा है, वो सबको लेकर एक साथ चलना चाहते हैं, इसलिए वो युवा भी हैं, सबको समझते हैं हम लोगों को, तो हम इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद को ही जिताएंगे। आप बताइए, आप पहले अपना नाम बता दीजिए मुझे। अब्दुल वदूद। अब्दुल भाई, आप बताएंगे कि इस चुनाव में आप किस तरह से ये देखते हैं और आपके जो वोट है वो क्यों और किस लिए, किस पार्टी को जाएगा? बसपा को। बसपा को जी। तो क्यों, वजह? वजह क्या है, वो यहाँ से बसपा का प्रत्याशी जीत रहा है, ये सब ये प्रगंडा है बीजेपी का बसपा का प्रत्याशी लाने के लिए और मुसलमानों को वोट बांटने के लिए ये खड़ा किया गया है हाजी अमीन को, ये गलत है। सबको मेरी गुजारिश ये है सभी मुसलमान भाइयों से कि बसपा को वोट करें, हाजी यूनुस को वोट करें, हाजी यूनुस को जिताएं, हाजी यूनुस को जिताएं। यहाँ पर दोनों प्रत्याशियों, ये बसपा और असपा, दोनों प्रत्याशियों के लिए वोट नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र, जो नहीं होना चाहिए था वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, आप पुराने व्यक्ति हैं और जिस तरह का चुनाव यहाँ पर हो चला है, पहले दो पार्टियाँ ही हुआ करती थी बहुजन समाज की और या तो समाजवादी पार्टी और या फिर बसपा या फिर कांग्रेस बहुत पहले हुआ करती थी, लेकिन उसका वजूद धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब क्या लगता है आपको, अब एक और पार्टी की एंट्री हो गई है, आज़ाद समाज पार्टी, तो वाले का लग रहा हमें आज़ाद वाले का। जी हाँ, आज़ाद वाला निकल जाएगा, निकल जाएगा। हाँ। उसके पीछे की वजह क्या है, मतलब सबके लिए बोलता है, गरीबों के लिए बोलता है, छोटे समाज के लिए, मुसलमानों के लिए वो आवाज़ उठाता, और लोग ये लोग आवाज़ नहीं उठाते कोई भी। अच्छा, तो वोट अब की बार जो है वो आज़ाद समाज प्रत्याशी है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो आपका यहाँ लोकल प्रत्याशी है उसके फेस पे वोट दे रहे हैं या फिर चंद्रशेखर का? चंद्रशेखर के लिए। चंद्रशेखर के लिए। जी हाँ। आपको क्या लगता है इसमें? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर को लेकर जो क्रेज बना हुआ है वो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बसपा अगर चंद्रशेखर की फाइट होती है तो वोट जो है डाइवर्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइड होगा मगर, लेकिन उसमें तो फिर बीजेपी का फायदा हो जाएगा। बीजेपी का फायदा नहीं होगा, अब चंद्रशेखर की पार्टी जो जीतेगी। चंद्रशेखर को जी। अभी यहाँ पर हमारी जो बात हुई है, लोगों ने कहा है कि हम चंद्रशेखर को वोट देंगे, चंद्रशेखर के फेस पर वोट देंगे, लेकिन स्थिति जो है वो किस तरह की होगी, क्योंकि बसपा भी यहाँ ताल ठोक रही है और आज़ाद समाज पार्टी ने भी ताल ठोक दिया, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के हाथ क्या लगता है। भाई, आप किस तरह से देखते हैं जो बुलंदशहर सीट का उपचुनाव है, किस तरह से देखते हैं उसको? सर जी, यहाँ पर दो पार्टियों के बीच में मुकाबला है, एक तो ये बसपा के हाजी यूनुस साहब और दूसरे बीजेपी, इन दोनों के अलावा तीसरी पार्टी का किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? एक तीसरी पार्टी भी है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, वो भी अपनी पूरी तरह से फाइट में बनी हुई है और वो भी जो अगर उनकी देखी जाए टीम और उनका जो वर्क है उसको देखा जाए तो वो पूरी तरह से वो सर जी वो असल में नई पार्टी है और नई पार्टी के साथ में इतने लोग जुड़ते नहीं हैं। मायावती जी की पुरानी पार्टी है, उसके साथ लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं और जो हाजी यूनुस साहब हैं उन्होंने पहले से ही वो उनकी ग्राउंड जो
ज़मीन जो तैयार है पहले से ही, लोगों की हेल्प करते हैं तो इसलिए वो मजबूत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुंतज़िर है। मोहम्मद भाई, आप बताएंगे क्या लगता है आपको इस चुनाव में? तीन पार्टियां चुनाव में खड़ी हैं, बीजेपी और बसपा और एक आज़ाद समाज पार्टी, जो अपने आप को प्रमुख दावेदार बता रही हैं इस सीट का। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का तो ये है कि वो जो एजेंडा लेकर चले थे वो उस ट्रैक से ही भटक गए, क्योंकि उन्होंने दलित और पिछड़ों की वो राजनीति लेकर चले थे, लेकिन उन्होंने पहला ही टिकट एक बिजनेसमैन को दे दिया। उस वजह से वो अपनी ट्रैक से हट गए, वो कुछ ना कर पाएंगे। अच्छा, मतलब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर किसी सामाजिक कार्यकर्ता को वोट देते, ग्राउंड लेवल पर जो काम करने वाले, ग्राउंड लेवल पर जैसे वो खुद उठकर आए हैं ग्राउंड लेवल से, किसी ऐसे बंदे को ग्राउंड लेवल से उठ करके वो टिकट देते जो उनका ये लोगों का विश्वास उन पर ये बना रहता कि हाँ, ये दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, वाकई में करना चाहते हैं। तो वही बीजेपी वाला एजेंडा हो गया कि बाहुबलियों को और बिजनेसमैनों को टिकट दो और यही लोग राज करेंगे देश पे आगे चले। जी, तो क्या लगता है सीट पर फाइट जो है वो बीजेपी और बसपा के? फाइट तो इसमें है ही ना, यहाँ नहीं है, बीजेपी क्लियर सी जीतेगी यहाँ। अच्छा, मतलब जो डिवाइड का जो रूल है वो यहाँ लागू होगा, बसपा और असपा के बीच में वोट बटेगा। हाँ, वोट बट जाएगा और बीजेपी जीत जाएगी सीधा सीधा, फंडा यहाँ का। तो आज के दौर में बीजेपी को पटखनी देना आसान नहीं है, ऐसे में समाज से भी कुछ सलाह मशवरा लेकर पार्टियों को अपने कैंडिडेट घोषित करने चाहिए थे, ऐसा आप मानते हैं? जी बिल्कुल, समाज से पहले मशवरा करते हैं उसके बाद में टिकट घोषित करते हैं। तो इसमें जो है हमारे पहले हाजी यूनुस टिकट ले आए, उसके बाद में चंद्रशेखर ने जो है अपना कैंडिडेट उतार दिया इसमें। अरे देखो, यूपी में 8 सीटों पर उपचुनाव है, ठीक है, तो बुलंदशहर पर ही क्यों उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा? बाकी 7 सीटों पर क्यों नहीं उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा? क्योंकि उन्हें मालूम है कि बसपा का प्रत्याशी यहाँ से मजबूत था, तो उन्होंने इसलिए जो है बसपा को कमज़ोर करने के लिए अपना प्रत्याशी उतारा। और मुझे लगता है कि असपा वाले जो हैं, ये चंद्रशेखर की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि पूरा अपना काम कर रही है, यहाँ पर बसपा मजबूत थी तो उन्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारने की। तो बस यही कहूँगा मैं तो। अच्छा, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो कहाँ पर अपना वोट डालेगा, कहाँ जाएगा वो? अच्छा देखो, जो मुस्लिम समुदाय है अगर समझदार होगा तो बहुत अपनी सोच समझ के वोट डालेगा, तो वो बसपा को डालेगा। अगर नहीं समझेगा, अगर हालात को, वक्त को नहीं समझेगा, तो फिर वोट बटेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वोट बट रही हैं, सब एक तरफा बसपा को ही वोट करेंगे इंशाल्लाह। जाहिर तौर पर मिली जुली राय मिली, लेकिन एक सवाल अभी भी ज्यों का तू खड़ा हुआ है, क्योंकि चंद्रशेखर जिस बैकग्राउंड से निकल कर आए हैं, लोगों का ये मानना है कि अगर अपना प्रत्याशी वो इसी बैकग्राउंड यानी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रखने वाले किसी कार्यकर्ता को देते तो कहीं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होता और जो समाज है, खासकर मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, उसके साथ जाने की भरकस कोशिश करता। लेकिन एक बिजनेसमैन को राजनीति में लाना, ये कितना फ़ायदेमंद होगा आज़ाद समाज पार्टी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। कमालपुर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।